एमएसपी क्या है, आखिर क्यों इसकी इतनी चर्चा हो रही है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य भी कहते हैं, जो कि किसानों के हित के लिए सरकार ने एक व्यवस्था बनाई है। इसके अंदर फसलों की प्राइस तय रहती है और इसी प्राइस पे सरकार किसानों से फसल खरीदती है या एक तरह से फसलों की कीमत तय कर देती है और इसे ही एमएसपी कहा जाता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि एमएसपी के अंदर गेहूं की कीमत 3000 रुपए क्विंटल है और लोकल मार्केट में गेहूं की कीमत 2000 रुपए क्विंटल चल रही है, तो भी सरकार किसान से गेहूं की फसल 3000 रुपए क्विंटल ही खरीदेगी, चाहे इस फसल को खरीदने में सरकार को 1000 रुपए का नुकसान ही क्यों ना हो। तो चलिए जानते हैं आखिर किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा है क्या। किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा है कि एमएसपी कोई कानून नहीं है, और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि सरकार एमएसपी की कीमतों को कभी भी बड़ा घटा सकती है, यहाँ तक कि सरकार एमएसपी देना बंद भी कर सकती है। और किसानों की यही मांग है कि एमएसपी को कानून के दायरे में लाया जाए और इस पे कानून बने, नहीं तो फिर सरकार अपनी मर्जी से फसलों की कीमत बड़ा घटा सकती है और इसका सीधा असर किसानों पे पड़ेगा। यही कारण है कि किसान सरकार से एमएसपी पर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। और अगर मान लीजिए सरकार ने किसानों की मांग मान ली और एमएसपी पर कानून बना देती है, तो इसका सीधा असर सरकार के खजाने पर पड़ेगा और इसका सीधा फायदा किसानों को होगा। किसानों को अपनी फसलों की कीमतों पर गारंटी मिल जाए, किसानों की इनकम भी बढ़ेगी, इससे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ग्रोथ होगी और देश में बढ़ते खाने की चीज़ों के रेट भी कम हो जाएंगे। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।